अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेरी गुड, से यस, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन। वेरी गुड जी जनाब, आज हम क्या करेंगे? आज हम कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे जो हमारी बुक में मौजूद हैं। ठीक है, सो टेक आउट योर बुक्स। वेरी गुड, कम्प्लीट द सेंटेंसेज विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। अब हमने यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से एक आंसर है जिसे चूज करके हमने अपने ब्लैंक में फिलअप करना है। टीचर ने आपको पहले भी करवाया हुआ है, हम तो जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ न्यू टोल्ड पीपल टू बी डैश स्मार्ट गुड काइंड गुड। वेरी गुड। सेकेंड वन इज अल्लाह डिसाइडेड टू डैश द बैड पीपल्स। अल्लाह ताला ने क्या डिसाइड किया था? हार्म द बैड पीपल, रिवॉर्ड द बैड पीपल या फिर पनिश द बैड पीपल? यस, वेरी गुड, पनिश द बैड पीपल। नंबर थ्री, ऑल द बैड पीपल वर ड्रोन इन अ ग्रेट डैश। कहाँ पर यानी कि बैड पीपल्स किस तरीके से बर्बाद हुए थे? फ्लड में, स्टॉर्म में या होल में? फ्लड में। वेरी गुड। People laughed because there was no dash. Animals see mountains. See, very good. New came out of the boat with the good people and dash. Animals water food. Animals, yes. Now we have a next exercise, that is make questions for these answer with the use of WH words. यानि WH words को use करते हुए हमें questions बनाने हैं। और WH words कौन कौन से हैं? Who, whose, whom, which, what, why. These are called WH words जो कि question making में काम आते हैं। ठीक है, चलें। अब हमारे पास यहाँ पर answer given है, Noah was a prophet. अब इसका यहाँ पर क्लू दिया हुआ है यूज़ हु। तो हम हु को यूज़ करते हुए किस तरीके, क्या इसका क्वेश्चन बना सकते हैं? हु वॉज नू, तो आंसर क्या हो जाएगा? नू वॉज द प्रॉफिट। यस, नाउ सेकेंड वन, बैड पीपल डिड नॉट लिसन टू नू, यूज़ विच। अच्छा, तो क्वेश्चन हम किस तरीके से बना सकते हैं? Which people did not listen to Noah? Yes. Now we have Allah told Noah to build a big boat. Use what? तो what use करते हुए क्या question बनेगा? What did Allah tell to Noah? Yes. Dash, bad people were running to the mountain. Use where? Where were bad people running? Bad people running to the mountains. Yes. जी, अब हमारे पास क्या आ जाते हैं? यहाँ पर है हमारे पास listening and speaking की activity. अच्छा, the jungle is green. हमारे पास जो इस जो chapter, इसका हमें central idea निकालना है. अब central message हमारे पास क्या है? Jungle is green. No, sun is very big. जी हाँ, sun तो बहुत बड़ा है. Allah is great. द लाइफ इज़ वंडरफुल। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है? अल्लाह इज़ ग्रेट। वेरी गुड। सेलेक्ट द बिहेवियर ऑफ बैड पीपल इन दिस स्टोरी। यहाँ पर बैड पीपल का क्या बिहेवियर था? गुड, बैड, हेल्पफुल, एक्साइटमेंट। बैड पीपल थे तो उनका बैड बिहेवियर था, सो वी टेक बैड। यस, दिस स्टोरी टुक प्लेस इन डैश, a house, a jungle, a garden, an old city. Old city, yes. This story is about an elephant, a truck, playing football, the great flood. Great flood, very good. जी जनाब, ये हमने क्वेश्चन आंसर जो हैं, जो एक्सरसाइज हमारी बुक्स में मौजूद हैं, उन्हें हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और हमारे पास एक्सरसाइज है, रीटेल स्टोरी। और यहाँ पर हमने सीक्वेंस बनाना है, ये जो हमारे पास डिफरेंट सेंटेंसेस मौजूद हैं इनका सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, चलें, इसका सीक्वेंस क्या होगा? सबसे फर्स्ट पे क्या सेंटेंस आएगा? अल्लाह डिसाइडेड टू पनिश द बैड पीपल।
फिर क्या हुआ था? फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया था? बोइल्ड द बोट, यस, उन्हें एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया था। फिर क्या हुआ था? सन केम आउट एंड वाटर ड्राइड, यानी सूरज निकला था और फिर सारा पानी सूख गया था। फिर क्या हुआ था? एनिमल्स केम आउट एज वेल, फिर कश्ती से जो अच्छे लोग थे वो भी बाहर आ गए थे और सारे एनिमल्स भी बाहर आ गए थे और सब ने क्या कहा था? अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था। जी, तो देखा आप लोगों ने, हमने कितने अच्छे तरीके से अपनी कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस डिस्कस की हैं। ये वर्क आप लोग पहले अपनी कॉपीज़ में कर चुके हैं, आज हम इसका सिर्फ रिव्यू कर रहे थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब सब कुछ याद आ गया होगा, है ना। अब आप लोगों को पेपर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Have a nice day. Allah Hafiz.